मिर्ची गाइस इसलिए काटता है ताकि मिर्ची जब खाए फिर खाने के बाद जब भागे तो सगर लहर जाए। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हैप्पी मकर संक्रांति है, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो नहा सुना लिए हैं, तो आप चलते हैं, तो चाय हो जाए और मम्मी जी यहाँ पे घुरा ताप रही है, तो चलते हैं आप चाय पीने के लिए। बिस्किट खाते हैं और मिलते हैं आप थोड़ी देर बाद। चाय बिस्किट खाने के बाद हम भी यहाँ पे साथ में घुरा ताप मम्मी जी के साथ। ओके बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। हमारे भैया जी आलू धोए हैं, मम्मी ने बोल साफ साफ कह दिया है घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा वरना खाना पीना बंद। देख सकते हैं हमारे भैया जी अभी मिर्ची काट रहे हैं। मिर्ची गाइस इसलिए काटता है ताकि मिर्ची जब खाए फिर खाने के बाद जब भागे तो सगर लहर जाए। देख सकते बेशरम को मिर्ची काट रहे हैं। यहाँ प्याज छील चुके हैं, देखिए प्याज भी काट चुके हैं। भैया ये खाना बनाएंगे, मम्मी बोली है भैया खाना बनाने बना काम घर में से निकाल देंगे। जाओ ले जाओ। देख सकते हैं कितना देख बड़ा सकते बड़ा पनीर का पीस है। देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पनीर का पीस है गुरु जी दिया है। देखिए हमारे भैया जी आज खाना पका रहे हैं, बात बराबरी होता है, मुलाकात होगी खाने वक्त। तो फ्रेंड गाइस हम सब्जी बना लिए हैं, तो आप मम्मी जी। तो फ्रेंड गाइस खा रहे हैं दही चूड़ा तो खा लिए हैं, आप मुड़ी सब्जी खा रहे हैं तो खाने में बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ तीखा मुड़ी मतलब सब्जी और साथ में मीठा दही दही है। हम खा रहे हैं, सुजय भी साथ में खा रहा है और हम लोग यहाँ मूवी देख रहे हैं हनुमान जी। खाने खाने के बाद मिलते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे पतंग उड़ाने के लिए क्योंकि पतंग आ गया है। आप लोग को दिखाते हैं पतंग। तो हे गाइस खाना पीना खा लिए हैं आज, थोड़ा सा खाना इतना ठंडा दही है ऊपर से इतना खट्टा था, वो पेट पूरा ठंडा सा लग रहा है तो भर गया पूरा पेट और मीठा पूरा पूर हो गया है। सब्जी भी पीटना लेकिन इतना सब्जी नहीं खा सके क्योंकि सब्जी बहुत तीता था। तो अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, ठीक है।